हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज नीट पीजी 2021 का जो सीट मैट्रिक्स है ऑल इंडिया कोटा 50% और डीम्ड यूनिवर्सिटी का वो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई है। डीएनबी का सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल अभी ऑल इंडिया कोटा 50% और डीम्ड यूनिवर्सिटी के कर दी गई है। आप जाके सीट मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं लिंक एक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एमसीसी का ऑफिशियल साइट पे तो नहीं है, दूसरे साइट पे है। ये जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है वो intra.mcc.nic.in पे आपको अवेलेबल है। इसके लिए आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ये आपको मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में ये पब्लिश कर दी गई है एसएम एजुकेशन सर्विसेज़ के। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ सीट मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे कॉलेज का नाम है, ऑल इंडिया कोटा का ये सीट है, गवर्नमेंट सीट सेठ गोरधान दस। इसका जो एनेस्थीसिया का सीट दिया हुआ है वो ओपन कोटे के ओपन है 10, और ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 5 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एससी के लिए 3 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है, एसटी के लिए 1 सीटें हैं, वहीं एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 0 है। टोटल 20 सीट है। यानी कि यहाँ पे आप जब सीट देख रहे होंगे, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सीट है। यानी कि जो इस बार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी सीट दिखा रहा है और ओबीसी का दिखा रहा है, यानी कि ये इम्प्लीमेंट होने वाला है और वो कहीं रहेगा जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है। बाकी अब वो तो कोर्ट बताएगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पे जैसा सीट मैट्रिक्स आया इसके आधार पे हम बता सकते हैं। इस तरीके से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो जनरल हों, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो अपने कैटेगरी से सीट को देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं और आपको रैंक कितना है, अब मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो बाकी के लिए आप चाहते हैं हमारे से पेड सर्विस लेना, तो बहुत कम समय बचा है, अब हम पेड सर्विस हो सकता है बहुत जल्द कम बंद करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके तो आप सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विसेज को अवेल करके आप काउंसलिंग में अच्छे तरीके से पार्ट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो न्यू अपडेट जो भी आएंगे वो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।